और सर ये होम है, ये कोई जेल नहीं है कि मैं इनको बांध के रखूं। अक्सर अपनी कारगुजारियों को लेकर अपनी सुर्खियों में बने रहने वाला आस्था कुंज आज फिर सुर्खियों में है। आज आस्था कुंज में सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक को लेकर चर्चित है। 5 बच्चे रात को जंगले का सरिया तोड़कर फरार हो जाते हैं और किसी को कानो कान तक खबर नहीं होती। सुबह गिनती के समय ही पता चलता है कि 5 बच्चे गायब हो चुके हैं। इतनी बड़ी लापरवाही होने के बावजूद आस्था कुंज की अधीक्षक कहती है कि सर ये होम है, जेल नहीं, जो हम इन्हें बांध कर रखे। ऐसे में अब सरकार ही बताएगी कि इन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किनकी है। हम आपको बता दें कि सर्कुलर रोड स्थित आस्था कुंज में करीब 3 दर्जन से अधिक बेसहारा बच्चों व घुमंतु बच्चों को रखा जाता है। इसमें पहले भी 8 बच्चे पहले दीवार तोड़कर भाग चुके हैं। हालांकि अधीक्षक ने पुलिस को शिकायत दे दी है, लेकिन इस घटना के पीछे कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर बच्चों की सुरक्षा में कैसे चूक हो सकती है और बच्चों के भागने के पीछे क्या कारण रहा होगा? मैडम चार बच्चे गायब हो गए, 5। कैसे गायब हुए, कहाँ पता लगा, क्या सुरक्षा के कोई इंतजाम थे या नहीं थे? सर ये जो बच्चे गायब हुए हैं ये घुमंतु टाइप के बच्चे हैं, डेलिक्वेंट बच्चे हैं जो अक्सर अपने घर से 2-3 बार भाग चुके हैं और जहाँ पे भी इनको जिस होम में रखा गया है ये वहाँ से भी भाग चुके हैं ये बच्चे। और ये जो बच्चे भागे हैं ये जो रूम का जंगले का सरिया इन्होंने तोड़ के और बड़े ही प्लान किया है इन्होंने। इनके काफी दिनों से दिमाग में कुछ चल रहा था कि अभी मुझे अभी पता चला है कि वो कुछ जली हुई लकड़ी मिली है, कहाँ से इन्होंने माचिस का अरेंजमेंट किया है और लकड़ी का। और रात को जब सब सो गए 11-12 बजे के अराउंड, मेरे केयर टेकर ने राउंड लिया है, वो जब तक बच्चे सारे सो चुके थे उसके बाद जो बच्चे भागे हुए हैं उन्होंने लकड़ी जला के और सरिया शायद इस तरह से तोड़ा है और तोड़ करके, और ये शायद 5 बजे जब केयर टेकर गया है देखने के लिए उस समय ये 4 या 5 बच्चे जो भागे हैं ये गायब मिले। तो उस समय हमें मतलब 12 से और 5 बजे के बीच में पता चला है, उसी बीच किस टाइम भागे हैं ये अभी कुछ पता नहीं चला है। तो कहाँ के कितने साल के बच्चे थे ये? सर ये कोई मतलब 10 से, ये सर पिछले 6-7 महीने से यहाँ रह रहे थे और ये घुमंतु टाइप के बच्चे हैं। और सर ये होम है, ये कोई जेल नहीं है कि मैं इनको बांध के रखूं। और जो यहाँ मेरे रेगुलर बच्चे रह रहे हैं वो प्रॉपर उनका स्टडी कर रहे हैं, उनके केसेस में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। और ये घुमंतु टाइप के बच्चे हैं और इनको अगर हम प्रॉपर थोड़ा सा डिसिप्लिन, कहा कि बच्चे जेल नहीं है, हाँ, मैं बांध के नहीं रख सकता, तो आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी कि इस तरह बच्चे आए और चले जाए? सर जिम्मेवारी तो हमारी ही है, पर अब जिसको भागना है, समझ रहे हो, अभी जैसे की बात है, जिम्मेदारी कौन तय करेगा, किसकी जिम्मेदारी कि बच्चे ना भागे? सर जिम्मेवारी तो हमारी है जी। हाँ, और रात को चौकीदार था और चौकीदार को जब यहाँ पे आया जो थी वो छुट्टी पे थी तो उसको चौकीदार को थोड़ा सा उसमें रहना चाहिए था, अवेयर रहना पहले भी किसी तरीके से बच्चे कभी कभी गायब रह चुके हैं। सर ये इसी तरह के मैंने आपको पहले बोला है कि जो डेलिक्वेंट और घुमंतु बच्चे जो मेरे पास आते हैं वही बच्चे भागते हैं और जो यहाँ प्रॉपर रेगुलर तरीके से रह रहे हैं। एक बच्चा काफी लंबे समय से आपके पास रह रहा था? हाँ सर ये लंबे समय से रह रहा था, बच्चा है और उन्होंने उसको किस तरह से काउंसलिंग की है और किस तरह से उसको गुमराह किया है उस बच्चे को इन्होंने उसको। आप यहाँ आए? हाँ जी, सुबह तुम पता लगा कि हमको आस्था कुंज से 5 बच्चे चले गए, मौके पर आए तो देखा पीछे से चले गए बच्चे सुबह के टाइम 5 जब। बताते हैं जंगला तोड़ के ये गए? हाँ, एक पत्ती तोड़ रखी थी इन्होंने जंगले की। क्या यहाँ कोई चौकीदार वगैरह कुछ था इस टाइप का? हाँ चौकीदार रहता है, फिर उसको कैसे पता नहीं लगा कुछ क्योंकि बच्चे यहाँ से गायब हो रहे हैं? उसको पता नहीं लगा, उसने सुबह चेक किया जब उसने देखा है बच्चे जब भी पता लगे। कहाँ के बच्चे थे, कितने कितने साल के बच्चे थे? हाँ बच्चे हैं जी, 5 बच्चे हैं, अलग अलग राज्यों के हैं, एक नेपाल का है, एक खोल का ही है अपने पंजाब का बता रहे हैं, एक शाहजहानपुर का है, एक और है नूरपुर बेदी का पंजाब का जी। क्या कुछ कार्रवाई की अभी तक? अभी जी मैडम ने दरखास्त दी है, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, आगे तफ्तीश जारी रहेगी। देश विदेश के राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।